जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने कभी ना कभी अपने गांव में, अपने थाना क्षेत्र में, अपने शहर में या सड़कों पर कभी ना कभी बहुत सारी पुलिस फोर्स को या फिर आर्मी को या फिर अन्य कोई सुरक्षा संगठन जो हैं अपने देश के, उनको एक साथ लंबी कतार में मूव करते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैग मार्च की। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसे फ्लैग मार्च कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लैग मार्च आखिर होता क्या है। रिसेंटली गोविंदगढ़, रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। पुलिस फोर्स थी, साथ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी थी और वहाँ का प्रशासनिक अमला भी था। तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में फ्लैग मार्च होता क्या है और इसमें पुलिस या फिर जो सुरक्षा संगठन जो फ्लैग मार्च कर रहे होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। सामान्यतः पुलिस प्रशासन द्वारा त्योहारों के पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च निकाला जाता है। इसी क्रम में जब कोई ऐसी घटना हो जाती है या फिर कुछ ऐसी घटना होने की संभावना रहती है कि उस एरिया में जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है या फिर शांति व्यवस्था वहाँ की तब प्रभावित हो सकती है, तब फ्लैग मार्च निकाला जाता है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इस स्थान पर कितनी तारीख को कितने बजे फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद पूरे फोर्स को इकट्ठा किया जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की जाती है। जैसे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और पुलिस के भी अधिकारी हैं, साथ में RPF के भी जो अधिकारी हैं वो भी उपस्थित हैं। पहले पूरी फोर्स को समझाया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, एक्चुअल में हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, हमारे क्या उद्देश्य हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, एक शॉर्ट ब्रीफिंग की जाती है। इसके बाद पूरे फोर्स को एक साथ लाइन में खड़े करके मूव कराया जाता है, साथ ही पीछे गाड़ियों का काफिला भी रहता है और उस पर्टिकुलर एरिया में मूव किया जाता है जहाँ पर शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है या होने की संभावना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस प्रक्रिया को फ्लैग मार्च शब्द क्यों नाम दिया गया है, तो इसका कारण ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्लैग मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता संप्रभुता को प्रदर्शित करता है और हम सभी की, सभी जनता की, सभी फोर्स की, सभी लोगों की अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने नेशनल फ्लैग के प्रति विशेष भावनाएं होती हैं, विशेष झुकाव होता है, एक आदर सम्मान का भाव होता है। यही कारण है कि जब कोई ऐसी सेंसिटिव सिचुएशंस बनती हैं तब फ्लैग मार्च किया जाता है उस सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर शांति की भंग होने की या प्रभावित होने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए आप चलते हैं, देखते हैं रिसेंटली जो अपने गोविंदगढ़ में फ्लैग मार्च किया गया था, देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर फोर्स पहुँच चुकी है, ये सामने मैं हूँ और साथ में हमारे मित्र पुष्पेंद्र यादव जी और साथ में पूरी फोर्स रेडी है। सामने एडिशनल साहब भी हैं और कमांडेंट साहब भी हैं RPF के। इसके अलावा देख सकते हैं सामने से वरिष्ठ अधिकारी हमारे अगुवाई करते हुए फ्लैग मार्च के आगे आगे चलते हैं, साथ में प्रशासनिक अमला है और सारे वरिष्ठ अधिकारी। इसके अलावा पीछे पूरा फोर्स लगा होता है। फ्लैग मार्च कैसा होगा, कितने समय होगा, वेपन के साथ में होगा या फिर विदाउट वेपन होगा, या लाठी डंडे के साथ होगा या फिर राइफल्स के साथ होगा, ये सारे डिसीजंस वहाँ की सिचुएशंस को देखकर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या जो लीडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो फ्लैग मार्च कंडक्ट करा रहे होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फिलहाल यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए जो फोर्स है उनके हाथों में लाठी दी गई है, कुछ को कुछ पिस्टल भी लिए हुए हैं और बाकी अलग अलग वेपन्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा फोर्स मार्च करते हुए जा रहा है गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन तरफ, वहाँ पर कुछ इशूज हो गए थे जिसी वजह से देख सकते हैं ये बगल से जो बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, कुछ वहाँ के लोकलाइट्स हैं जो उस रूट को फॉलो करते हुए बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा जो आगे आगे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए दिख रहे होंगे या किनारे से चलते हुए दिख रहे होंगे या फिर ये जैसे ये खड़े हुए, ये सभी मीडिया कर्मी हैं जो इस फ्लैग मार्च को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो सारे वीडियोज़ हैं मैंने मीडिया कर्मी के थ्रू ही प्राप्त किए हैं, क्योंकि मैं खुद उस फ्लैग मार्च में शामिल था और ऑन ड्यूटी था तो वीडियो संभव नहीं था। यही कारण है कि मैंने जो वहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी थे उनके माध्यम से वीडियो प्राप्त किए और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में फ्लैग मार्च होता क्या है
और कैसे होती है इसकी पूरी प्रक्रिया, क्यों पड़ा है इसका नाम फ्लैग मार्च, और भी सारी चीज़ें। इन सब जानकारी के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है फ्लैग मार्च से रिलेटेड, कैसे होता है, क्या होता है, या और भी इससे जुड़ी कोई भी बात, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखकर बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि समय पर आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, और आप एंजॉय करिए ये फ्लैग मार्च, देखिए कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे पूरी फोर्स मूव करती है। गिरान अध्यक्ष बड़ा तो डारा कि हम ना जाग पड़े जी मचमाही गाड़ी में। दौड़ के डबल से।